हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के स्टूडेंट देखेंगे यूजीएससी काउंसलिंग में एडमिशन के टाइम कितना पैसा लगता है। अगर आप यूजीएससी काउंसलिंग या बीसीएससी काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके मन में जरूर डाउट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना टाइम पैसा लगता है, ऑटो ऑपरेशन जब करते हैं तो यस करते हैं तो पैसा लगता है या नहीं, या फिर नो करते हैं तो पैसा लगता है या नहीं, ट्यूशन फी कितना है, हॉस्टल फी कितना है, और क्या हॉस्टल फी एडमिशन के दौरान पे करना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो बहुत कम मिलेगा आपको यूट्यूब पे। मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तैयार करके आप लोग के बीच लाया हूँ। इसको देखने के बाद आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि क्या कितना पैसा लगता है और कब पैसा लगता है, बिलिंगनेस में कितना पैसा लगता है, हॉस्टल फी में कितना पैसा लगता है, और क्या नेसेसरी है और क्या नेसेसरी नहीं है, कब पैसा पे करना है, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं डाटा दिया हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना खर्च है उसके हिसाब से सारा डाटा तैयार किया हूँ। इसको सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके नाम से एक शीट अलॉटमेंट आएगा। शीट अलॉटमेंट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने से पहले आपको दो ऑप्शन चूज करने के लिए आएगा, ऑटो अपग्रेडेशन में यस करना है या फिर नो करना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑटो अपग्रेडेशन मतलब होता है विलिंगनेस फॉर सेकेंड राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड में जाने की इच्छा। यूजीएससी काउंसिल या फिर बीसीसी काउंसिल दो राउंड में होता है, तो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट आएगा, तो सेकंड राउंड में जाना चाह रहे हैं या नहीं है, अगर जाना चाह रहे हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन में यस होगा, और नहीं जाना चाह रहे हैं तो ऑटो अपग्रेडेशन में नो होगा। इस बात को आप समझ गए। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाएंगे तो फाइनल अगर एडमिशन ले लेंगे अपग्रेडेशन में नो करके, तो उस टाइम 2600 रुपया से लेकर के 3200 रुपया के बीच में लगेगा आपको। हर कॉलेज में डिपेंड करता है, किसी में आई कार्ड इंक्लूड रहता है तो 2700-2800 रुपया हो जाता है, ऐसे जनरली चार्ज 2600-2800 रुपया। और अगर आप अपग्रेडेशन यस करेंगे यानी सेकेंड राउंड में जाना चाह रहे हैं तो उस टाइम पैसा नहीं लगेगा आपको। फिर आप सेकेंड राउंड में जब आप फाइनल एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पैसा लगेगा, वहाँ पे आपको 2600 से लेकर 3200 के बीच में लगेगा। यानी कि अगर फर्स्ट राउंड में फाइनल एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 3200 के आसपास आपका खर्च आएगा। ये होगा एडमिशन चार्ज। उसके बाद यही फ्रेंड्स एडमिशन चार्ज आप लोगों को बता दिए, जनरली 2600-2800 रुपया जो है ऑफिशियल चार्ज है, बट कहीं कहीं क्या होता है इसमें आई कार्ड का फी, आइडेंटिटी कार्ड का फी, इंश्योरेंस, स्टूडेंट का इंश्योरेंस, सभी मिलाकर के 3200 रुपया के आसपास खर्च पड़ जाता है। यानी कि ये जो है अपग्रेडेशन का, यानी कि अपग्रेडेशन कराएंगे उस टाइम जो पैसा देंगे वही एडमिशन फी होगा, एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा, यही वाला फी 3200 के आसपास आपको लगेगा। आप अपग्रेडेशन के टाइम जब देंगे तो वही आपका एडमिशन चार्ज में काउंट हो जाएगा 3200 रुपये के आसपास। कहीं कहीं आई कार्ड इंश्योरेंस बाद में बनाएंगे तो उस टाइम 2600-2700 रुपया लगेगा। उसके बाद ट्यूशन फी, तो कुछ रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट भैया सेमेस्टर का जो ट्यूशन फी होता है कितना पड़ता है। तो देखिए बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने में मात्र 120 रुपये खर्च होगी एक साल का, 120 रुपये पर ईयर। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ 70,000-80,000 रुपये पर ईयर का दिखा रहा होगा, वो सब रॉन्ग है, 120 रुपये पर ईयर लगता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, और एडमिशन 2600-2800 रुपये लगेगा। अब बात आते हैं कि हॉस्टल फी कितना लगता है। तो हॉस्टल फी फ्रेंड्स 6 महीने का आपको एक बार देना होगा, 6500 रुपये से लेकर के 7000 रुपये तक का लगेगा सिक्स मंथ। ठीक है, यानी कि पर मंथ 1000 से 1200 के बीच में आपको लगेगा चार्ज। लेकिन हर कॉलेज में, लगभग कॉलेज में आपको 6 महीना का खाने का देना होगा आपको एक ही बार में जब एडमिशन कराएंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि एडमिशन टाइम देंगे, आप चाहेंगे कि नहीं हॉस्टल लेना है तो आप नहीं भी हॉस्टल ले सकते हैं, आप पे कोई दबाव नहीं है। और आप चाहेंगे कि हॉस्टल बाद में लेना है सेकंड सेमेस्टर में, लगे जब फाइनली एडमिशन करा करके जाएंगे, एडमिशन कराने के बाद जब पढ़ने आएंगे तो उस टाइम कराना चाहते हैं तो उस टाइम भी दे सकते हैं। उसके बाद मेस फी कितना लगता है, तो मेस फी फ्रेंड्स देख लीजिए 3000 से लेकर 3500 रुपया पर मंथ लगेगा। अब कॉलेज पर डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में 3200 लग सकता है, किसी कॉलेज में 3500 लग सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। इसी के बीच में लगेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा, मॉर्निंग लंच और डिनर। ठीक है, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा, 3 टाइम 3000 से 3500 के बीच में आपको लगेगा। अब बात आता है कि एडमिशन टाइम कंपलसरी फी कौन सा है, तो कंपलसरी आपको 3200 के आसपास जो लगेगा वही कंपलसरी है। अब बात आता है नेसेसरी टू बी हॉस्टल फी ड्यूरिंग एडमिशन, यानी कि जब एडमिशन कराने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो क्या हॉस्टल फी उसी दिन देना जरूरी है, तो हॉस्टल फी उसी दिन देना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो 3200 रुपये देकर के एडमिशन करवा सकते हैं, हॉस्टल फी बाद में दे सकते हैं।
नॉट नेसेसरी, यानी कि जरूरी नहीं कि उसी दिन आप हॉस्टल फी दे, आपके पास पैसा नहीं है तो बाद में दे सकते हैं। और ये सारा पैसा जितना आपको खर्च होगा वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, 4 लाख तक का लोन मिल जाएगा। बिहार के हर एक कॉलेज में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना खर्च आएगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा वापस, साथ ही साथ जितना ये एडमिशन फी, ट्यूशन फी और बाद में जब सेमेस्टर एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम फी जितना होगा वो 3700 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से होता है, वो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू वापस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सारा सिनेरियो था एडमिशन के टाइम, जो कंपलसरी फी है 3200 रुपया है, और एडमिशन जो ट्यूशन चार्ज है 120 रुपये पर ईयर है। इसके अलावा आपको 1 रुपया एडमिशन टाइम नहीं लगेगा, बट अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं 6 महीने का हॉस्टल चार्ज लग जाएगा और मेस फी 1 महीने का आपको एडवांस देना होगा, और जरूरी नहीं है कि आप उसी दिन देना है, आप बाद में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा डाटा था, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश की आप लोगों में जो डाउट था उसको क्लियर करने का, बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, आप लोग के लिए इतना डाटा तैयार करके हर एक इन्फॉर्मेशन तैयार रेडी करते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।